वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज मैं इस वीडियो में अपने वेब डेवलपमेंट के कोर्स को आगे बढ़ाने जा रहा हूं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी वेब डेवलपमेंट के कोर्स को हम शुरू से लेकर के लास्ट तक डेली वीडियो डाल करके एंड करने वाले हैं और मैं एक एक चीज़ को आपको अच्छे से सिखाऊंगा। और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो आइए मैं लेकर के चलता हूँ आपको अपने वेब डेवलपमेंट के इस कोर्स की ओर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोग है ना मेरे चैनल पर जा करके यूट्यूब पर सर्च करके फ्यूचर जोन अकेडमी और वहाँ पर जा करके आप इस लिस्ट को एक्सेस कर लें और यहाँ पर एक एक वीडियो को अगर आप शुरू से देखेंगे तो आपको वीडियो सारी समझ में आ जाएंगी और आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर करके चलोगे तो आपकी प्रॉब्लम्स बहुत कम होंगी। तो आज का जो टॉपिक्स है हमारा वो टॉपिक है, मैं पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि हम क्या सीखने जा रहे हैं। आज के टॉपिक में हम HTML फॉर्म्स के बारे में जानेंगे कि फॉर्म्स इनपुट टैग्स हम कैसे यूज़ करते हैं HTML में अपनी वेबसाइट में। जब हम किसी फॉर्म को भरते हैं तो वहाँ पर नेम, रोल नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, एलिजिबिलिटी, एड्रेस वगैरह हम कैसे डालते हैं, सब चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, आज के इस टॉपिक में हम सिर्फ यही चीज़ें कवर करेंगे कि कैसे कैसे हम अपने फॉर्म को बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं इनपुट टैग्स के थ्रू। ठीक है, तो एक छोटा सा फॉर्म मैंने आप लोगों के सामने बना करके पहले ही ऑलरेडी रख रखा है। ये हमारा फॉर्म है, अभी हम CSS नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ ढांचा तैयार कर रहे हैं। ढांचा तैयार करने का मतलब ये है कि हम सिर्फ HTML के थ्रू ये सब चीज़ें सीख रहे हैं। जबकि ये चीज़ें हम CSS के थ्रू जब सीखेंगे तो ये फॉर्म हमारा बहुत अच्छा लगेगा और एक एक चीज़ को हम बहुत अच्छे तरीके से सब चीज़ें यहाँ पे एडजस्ट कर सकेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ, अगर मैं रिसेट पे क्लिक करता हूँ तो रिसेट भी हो जाएगा। तो आज हम ये छोटा सा फॉर्म जो कि बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है बनाकर देखेंगे। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, अपने वेब डेवलपमेंट वाले पोर्शन में जाएंगे, इसको राइट क्लिक करके ओपन विद VS कोड करेंगे और कोड ओपन करने के बाद आपका ये ओपन हो जाएगा। ये मैंने पहले ही बना रखा है, मैं इसको रिपीट करके अच्छी अच्छी चीज़ें सारी चीज़ें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ एक दूसरा फॉर्म बना लूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से मैं बता सकूँ। ठीक है, मैंने फॉर्म डॉट HTML कर दिया। HTML तो लगाना पड़ेगा क्योंकि HTML अगर नहीं लगाएंगे तो हमारा फॉर्म नहीं ओपन होगा। इसको मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्या करूँगा, बॉयलर प्लेट लगाऊंगा। तो मैंने क्या करना है, शिफ्ट दबा करके 1 प्रेस करना है और हमारी बॉयलर प्लेट लग जाएगी। लेकिन यहाँ पे कहाँ लगी है, पहले मैं फॉर्म खोलना पड़ेगा ना। तो मैं अपने इसमें चलता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ, दोनों फॉर्म सेम हो गया ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले वाले को डिलीट कर देता हूँ ताकि आपकी प्रॉब्लम्स बिल्कुल क्लियर अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, मूव टू रिसाइकल बिन। अब हमारे पास केवल एक ही फॉर्म बचा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 प्रेस करता हूँ शिफ्ट के साथ तो बॉयलर प्लेट आ जाएगी। और जैसे मैं इसको ओके करूँगा यानी एंटर करूँगा तो ये मेरे पास एक छोटा सा कोड आ जाएगा। इस कोड में हम सारा काम आज करने जा रहे हैं और हमें क्या तैयार करना है मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ। हमें एक फॉर्म तैयार करना है जो फॉर्म हमारा बहुत अच्छे से काम करे, हम सारी चीज़ों को करके भी दिखाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बॉडी आ गई तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, एक हेडिंग ले लेता हूँ। और हेडिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉडी के अंदर एच प्रेस करना पड़ेगा, उसके बाद 3 मैं थर्ड वाली लेता हूँ और एंटर कर देता हूँ। तो जैसे मैं H3 कर देता हूँ तो मेरे पास एक हेडिंग आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ यहाँ से दिस इज अ फॉर्म ट्यूटोरियल। ठीक है, जैसे मैं इसको सेव करूंगा और ओपन विद लाइव सर्वर करूंगा तो ये सर्वर पे आ जाएगी और ये देखो आपकी यहाँ पर हेडिंग शो कर जाएगी। ये तो आप लोगों को पहले से ही पता है, लेकिन मैं आज जो सारी चीज़ें बताऊंगा वो आप लोग ध्यान से देखिए, मैं सब चीज़ें आपको अच्छे से सिखाऊंगा। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने वहीं पर और यहाँ पे इसके बाद हम क्या लेते हैं, एक फॉर्म टैग ले लेते हैं। ठीक है, फॉर्म टैग लेने के लिए आपको FORM लिखना है, फॉर्म के बाद आपको एंटर प्रेस करना है। ये हमारे पास फॉर्म टैग आ गया और फॉर्म टैग आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है एक एक करके आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर ये जो सेमी कॉलम्स आ रहे हैं और इनके अंदर हमें ना एक बैकएंड डॉट PHP की फाइल डालनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ पर हमारा डाटा स्टोर होगा वहाँ पर की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से जाएगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी बैकएंड डॉट PHP मैं यहाँ पर ऐसे ही दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं ना, तो मैं इसको यहाँ पर दे रहा हूँ
और उसके बाद अभी हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा आगे चलते हैं। जो हमारा टेक्स्ट जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो इसके बीच में आएगी, तो मैं यहाँ से शुरू करूँगा, ठीक है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले एक छोटा सा इनपुट टैग यूज करते हैं, जैसे कि अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ। जो हमारा फॉर्म होगा उसमें मैं नेम, रोल नंबर, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ये सब चीज़ें मांगी जाएंगी ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेम के लिए इनपुट टैग चाहिएगा जो कि टेक्स्ट के रूप में होगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, एक इनपुट टैग यूज़ कर लेता हूँ। तो इनपुट के लिए मैं इनपुट लिखता हूँ और जैसे एंटर करूँगा तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और ये टेक्स्ट आ जाएगा। टेक्स्ट के बाद मैं क्या करता हूँ, इसकी एक आईडी भी देता हूँ, आईडी में लिख देता हूँ नेम, और जैसे मैं बराबर यानी इक्वल्स का साइन दूंगा तो ये मान जाएगा, मांगेगा कि क्या आईडी दोगे। तो मैं इसके लिए एम वाई और नेम देता हूँ, माई नेम। ये जो मैंने लास्ट में लिखा ना, ये हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन हमने टाइप किया है ये हमें पीएचपी में हेल्प करेगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी गई है, इसके थ्रू हम उसको ठीक से देख सकेंगे और उसको करेक्ट या इनकरेक्ट कर सकेंगे। तो मैंने क्या किया, अभी ये कर दिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको अगर सेव करता हूँ तो सेव करने के बाद एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा जिसके सामने अभी कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मुझे क्या करना है, ये ऐसे बनाना है ताकि मैं इसके सामने नेम का ऑप्शन लिख सकूं जो क्लाइंट्स होगा और वो क्लाइंट्स देख करके यहाँ पे समझ जाएगा कि ये मुझे यहाँ पर क्या टाइप करना है, नेम। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनपुट के सामने यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा नेम, उसके बाद मैं इसको टाइप कर देता हूँ और नेम के बाद जैसे मैं ये करता हूँ तो सेव करने के बाद ये मेरे पास यहाँ पर शो हो जाएगा। तो क्लाइंट्स जो होगा यहाँ पर क्या कर सकेगा, अपना नेम डाल सकेगा, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ FUTURE, ठीक है। मैं यहाँ पे टाइप कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको टेक्स्ट की प्रॉपर्टी दे दी है, तो क्लाइंट समझ जाएगा कि यहाँ पे मुझे अपना क्या फिल करना है, नेम फिल करना है। अब मैं दूसरे और चलता हूँ, दूसरा हमारे पास रोल नंबर है, तो सेम प्रोसेस में हम रोल नंबर के लिए भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसके सामने यहाँ पर करूँगा, देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे मैं खाली ऐसे लिख देता हूँ रोल, ठीक है। नंबर भी लिख लेते हैं, NUMBER नंबर। तो जैसे मैं इसको नंबर के बाद यहाँ पे इनपुट टैग यूज़ करूँगा, इनपुट, इनपुट के बाद यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, टेक्स्ट के बाद मैं इसको एक आईडी दे देता हूँ, आईडी में मैं यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, नेम के बाद ही मैं कर देता हूँ, तो मैं इसकी आईडी लिख लेता हूँ माई रोल, एम वाई रोल, ठीक है। अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो सेव करने के बाद ये भी डाटा मेरे पास वहाँ पर चला जाएगा, देखो ये आ गया रोल नंबर। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरे पास नेम और रोल नंबर ये है ना, दूसरी लाइन इसके नीचे आ जाए। ये जो हमारे पास नेम आया, नेम के बाद जैसे मैं यहाँ पे नेम डाल देता हूँ फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे अगर रोल नंबर डालना चाहता हूँ, रोल नंबर मेरा कुछ भी है, तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि ये रोल नंबर इसके नीचे जाए। तो नीचे लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैं दो तरीके हैं, एक तो हमारे पास डिव टैग करके मैं इसको अलग अलग बना सकता हूँ, डिव के थ्रू यूज कर सकता हूँ, और एक दूसरा मेरे पास यहाँ पे BR हो सकता है, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे डिव ले लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे डिव लिख लेता हूँ और एंटर करता हूँ। तो डिव के बाद ये मेरे पास आ तो गया, लेकिन डिव मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर ये लाना पड़ेगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसके अंदर इसको लाने के लिए इसको सेलेक्ट करता हूँ और आल्ट दबाता हूँ, एक कदम ऊपर करता हूँ तो ये ऊपर आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये पूरी लाइन सेलेक्ट हो रखी है, तो मैं कंट्रोल सी करता हूँ और इसके बीच में इसको ले लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल वी कर देता हूँ, इससे भी आ जाएगा, और मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पर से डिलीट कर देता हूँ। तो ये मैंने कर दिया डिलीट। अब जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो ये जो डिव वाला है ये ऊपर चला जाएगा और वो आ जाएगा हमारा नीचे, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि इसके जस्ट नीचे आ गया। तो जस्ट नीचे से मुझे थोड़ा नीचे करने के लिए CSS यूज करनी पड़ेगी, लेकिन अभी रेस्ट्रिक्शन ये है कि हम HTML सीख रहे हैं, तो HTML के लिए हमें ये रिकमेंड नहीं करना पड़ेगा, तो हम इसको अभी यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा BR टैग यूज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ये डिव ऊपर वाला हो गया, इसके लिए भी एक डिव तैयार करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे डिव लिख लेता हूँ, डिव और एंटर करता हूँ, और उसके बाद ये जो है इसको डिलीट कर देता हूँ और इसका डिव टैग जो है हमारा यहाँ पर कंप्लीट कर देता हूँ, तो DIV, ठीक है, ठीक है। डिव ये आ गया, लेकिन ये दूसरा टैग बता रहा है, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको डिव को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। ये क्लोज हो गया। अब मैं जैसे इसको सेव करूँगा, अभी कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि जो था वो सेम का सेम ही रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक डिव ऊपर हो गया, एक डिव नीचे हो गया, तो पहले मैं इसको फॉर्मेट में ले लेता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, फॉर्मेट में आ गया। अब मैं यहाँ पे BR टैग यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने BR जैसे ही लिया तो वो लाइन नीचे चली जाएगी, देखो नीचे आ गया कि नहीं। अब ये हो गया, हमारे पास नेम आ गया, रोल नंबर आ गया, उसके बाद मुझे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, ईमेल। ईमेल के लिए भी अलग से टैग होता है, तो मैं क्या करता हूँ, ईमेल के लिए अलग से टैग यूज़ कर लेता हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, डिव यूज़ करता हूँ। डिव मुझे इसलिए यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि ये अलग सेपरेट दे रहा है। डिव के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, इनपुट। यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, तो यहाँ पे देखो आप, इनपुट के बाद यहाँ पे एक ईमेल का ऑप्शन भी है, तो मैं ईमेल को यूज़ कर लिया, लेकिन मुझे इसके सामने कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा ना, तो मैं लिख लेता हूँ ईमेल,
ठीक है। और ईमेल के बाद ये यूज़ कर लेते हैं, मैं इसको लिख लेता हूँ सेमीकोलन। तो जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो कस्टमर को यहाँ पर ईमेल का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर वही प्रॉब्लम कि इसके जस्ट नीचे आ गया, तो बी आर टैग से हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। तो डिव के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, बी आर टैग यूज़ कर लेता हूँ और ये अलग हो जाएगा। सेव करने के बाद ये क्या हुआ, अलग हो गया। अभी जो हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन ये यूज़ करें, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा तरीके से यूज़ होंगी। जब हम वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट में कस्टमर से या क्लाइंट से हमें इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, तब हम फॉर्म यूज़ करेंगे। लेकिन अभी के लिए सिर्फ ये है ना, हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें एक बेसिक नॉलेज ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद हमें ईमेल भी मिल गया। ईमेल के बाद हम क्या ले सकते हैं बंदे से, फ़ोन नंबर ले सकते हैं। फ़ोन नंबर के लिए हम नंबर यूज़ कर सकते हैं। अब नंबर के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर के लिए अलग से यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप नंबर यूज़ किए, मतलब ईमेल के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले डिव ले लेता हूँ, डिव मुझे अलग कर देगा। डिव से पहले मैं पहले ही लगा लेता हूँ, क्योंकि मुझे बी आर टैग फिर से यूज़ करना पड़ेगा। बी आर वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बी आर इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। बाद में हम सी एस एस की मदद से इस सब चीज़ को अच्छे से सेट करेंगे, ठीक है। तो मैं फिर से इनपुट करता हूँ। इनपुट के बाद यहाँ पे हमारे पास कोई नंबर यूज़ करना सोच रहे हैं, तो नंबर के लिए हम क्या करेंगे, बोनस या फिर इनपुट करो, एंटर करो। इनपुट के बाद यहाँ पे मैं यहीं पर लिख देता हूँ एन यू एम बी ई आर, ठीक है। और नंबर के लिए मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, नेम एक आईडी देता हूँ नेम, ठीक है। और नेम के बाद जैसे मैं लिख लेता हूँ माई, कुछ भी नंबर दे सकते हैं, ठीक है, माई नंबर, ठीक है। उसके बाद मैं इसके सामने लिख लेता हूँ इनपुट के क्या लिखते हैं, फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर, ठीक है। और मैं इसको करता हूँ सेव। जैसे सेव करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर फ़ोन नंबर या कुछ भी नंबर डाल सकते हैं, लेकिन फ़ोन नंबर के लिए तो अलग से डालना पड़ेगा। ये तो नंबर का कॉलम बन गया, नंबर मतलब बोनस। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बोनस कर देते हैं, बोनस। जैसे किसी को हम बोनस देते हैं या फिर कोई नंबर देते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बोनस, ठीक है। कुछ भी बोनस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बी ओ एन यू एस, बोनस, ठीक है। तो बोनस के लिए मैं इसको रेडी कर देता हूँ, ये मैंने कर दिया बोनस के लिए रेडी। अब इसके बाद ये बोनस हो गया। बोनस में हम कुछ भी ऐसे ही नंबर ले सकते हैं, लेकिन अगर मुझे फ़ोन नंबर लेना है तो फ़ोन नंबर के लिए टेक्स्ट लेना पड़ेगा। टेक्स्ट तो सिंपल है, अभी हमने यूज़ किया है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, कोई भी एक टेक्स्ट रोल नंबर वाला ले लेता हूँ। रोल नंबर को इसको क्या कर लेता हूँ, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ। और कॉपी करने के बाद मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसके नीचे दे देता हूँ ईमेल के, ठीक है। ईमेल के नीचे मैं इसको यहाँ पर ले लेता हूँ, इसके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पर बी आर टैग यूज़ करना पड़ेगा, तो बी आर मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि वो उसको थोड़ा नीचे कर देगा। जैसे मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे फोन नंबर नहीं आएगा, लेकिन क्या आएगा, आप देख सकते हैं रोल नंबर आ गया। रोल नंबर के सामने हम चेंज कर देंगे, रोल नंबर को हम क्या कर देंगे यहाँ पे फोन नंबर में चेंज कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी एच ओ एन फोन, ठीक है, नंबर। जैसे मैं इसको सेव करूंगा तो ये भी हमारा चेंज हो गया। बेसिक जो है ना, हम यहाँ पर जो सीखने जा रहे हैं वो सिर्फ ये सीख रहे हैं कि हम कैसे कैसे अपने फॉर्म में प्रॉपर्टी को डाल सकते हैं। अभी हमारे पास फॉर्म ये हो गया, अब इसके बाद हम और क्या क्या कर सकते हैं। एक अबाउट योर सेल्फ, एक एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी के लिए हम चेक बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। चेक बॉक्स हम कैसे यूज़ करेंगे वो भी देख लेते हैं, ठीक है। चेक बॉक्स बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि फॉर्म में हम जैसे यस और नो, उसके लिए चेक बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, डिव यूज़ करता हूँ, डिव के बाद एंटर। उसके बाद यहाँ पे बी आर टैग लगा देते हैं पहले ही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बार बार एकदम जस्ट नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको फॉर्मेट ले लेते हैं पहले, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। फॉर्मेट में हो गया, अब मैं क्या करता हूँ, डिव के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, चेक बॉक्स लेना है, तो मैं इनपुट ले लेता हूँ। इनपुट के बाद मैं यहाँ पे इनपुट एंटर करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ चेक बॉक्स। चेक बॉक्स लिखने से कुछ नहीं होगा, देख लो आप लोग, मैं यहाँ पे सेव करता हूँ। सेव करने से बस एक छोटा सा चेक बॉक्स जरूर आएगा, ये देखो अभी इसके अंदर कुछ नहीं आया है, ठीक है। मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ पे एलिजिबिलिटी कर देता हूँ या फिर यस नो कर देता हूँ, या फिर आप क्या बोलोगे, चलो एलिजिबिलिटी लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पे ए एल आई जी आई बी आई एल आई टी वाई एलिजिबिलिटी कर दिया, और यहाँ पे क्या कर देते हैं, यस नो कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसकी आईडी भी देते हैं। आईडी का यहाँ पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट है, देखो मैं आप आईडी का एक इफेक्ट दिखा देता हूँ। मैं आईडी यहाँ पे एक सेम रख देता हूँ, देखो मैं लिख दिया माई ई ई कैपिटल कर देते हैं, ई एल आई जी आई बी आई एल आई
टी वाई माई एलिजिबिलिटी, अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ, एक हो गया ना, ये चेकबॉक्स एक आ गया, ठीक है। अभी मैं इसको सेव करने के बाद जब चेक करूँगा तो देखो कैसा आएगा, एलिजिबिलिटी यस हो गया, ठीक है, हो गया। अब मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट ऑप्शन भी ले सकते हैं, जैसे कि मान लो मेरे पास 3-4 ऑप्शन है, उनमें से मैं एक सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। सेलेक्ट के लिए आपको सेलेक्ट टैग यूज़ करना पड़ेगा, तो फिर से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे br टैग यूज़ कर लेता हूँ। br करने के बाद फिर div यूज़ करता हूँ, div के बाद एंटर करते हैं। फिर यहाँ पे मैं सेलेक्ट टैग कैसे यूज कर सकता हूँ, सेलेक्ट लिख लो और टैग आ जाएगा। सेलेक्ट के बाद यहाँ पे माई नेम, नेम में आप कुछ भी दे सकते हैं, नेम बोलो आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि नेम ले लेते हैं माई फेवरेट कार, माई, ठीक है, FAVORIT फेवरेट, ठीक है, कार ले लेते हैं, CAR कार, ठीक है। आईडी आप इसकी दे सकते हैं, आईडी आपको देनी चाहिए, क्योंकि आईडी अगर आप दोगे तो आईडी की वजह से एक बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी आप लोगों को। अगर सबकी आईडी सेम रहेगी तो हम सिर्फ एक ही चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप अलग अलग रखोगे तो फिर हम सब चीज़ को एक साथ सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन से लेता हूँ, पहले ऑप्शन लेते हैं, तो मैं यहाँ पे ऑप्शन ले लेता हूँ, OPTION ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पे ले लेता हूँ इंडिगो, ठीक है, इसके सामने इंडिगो कार लिख लेते हैं, मैं लिखता हूँ INDI इंडिगो, चलो इंडिगो लिख लेते हैं, CO कर दो, स्पेलिंग CO कर लेते हैं इंडिगो, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये पूरी की पूरी लाइन में 2-4 गाड़ियां और ऐड करनी है, तो कंट्रोल डी मैंने शॉर्टकट बना रखा है, मैं उसको ले लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, इसमें शिफ्ट ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे ये मैंने SWT शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा सो नहीं होगा वहाँ पर, तो यहाँ पर आप जो लिखोगे वो वहाँ पर सो होगा, तो मैं कर लेता हूँ SWIFT स्विफ्ट, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे INDI दूसरा लिख रहा है, यहाँ पे मैं वरना कर लेता हूँ, तो मैं VRN लिख लेता हूँ वरना, और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, जो पूरा वहाँ पे शो करना है वो यहाँ पर पूरा लिखना पड़ेगा, VERNA वरना, ठीक है। जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो वहाँ पे एक ऑप्शन की लिस्ट आ जाएगी, देखो ये सब शो हो रहा है, ठीक है, कौन कौन सी गाड़ी है, 3 गाड़ी आएगी नहीं, लेकिन मुझे इसके सामने देना पड़ेगा ना कि क्या शो करना चाह रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा योर फेवरेट कार, ठीक है। अब जैसे मैं इसको शो करूँगा वहाँ पे, तो ये ऑटोमेटिक वहाँ पे शो हो जाएगा, देखो आ गया। अब यहाँ पर आप शो कर सकते हैं। अच्छा एक और ऑप्शन, आप यहाँ पे जैसे एलिजिबिलिटी आया, इसको अगर आप चेक रखना चाहते हैं, ठीक है, एलिजिबिलिटी अगर आप चेक शो करना चाहते हैं कि ये चेक ही रहेगा, तो आपको कुछ नहीं करना, ये जो चेकबॉक्स था इसके सामने आपको चेक रखना है, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, चेक्ड, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेक्ड, जैसे आप चेक्ड रखोगे तो इसको सेव करो तो ऑटोमेटिक जब भी वो फॉर्म भरेगा ना तो ऑटोमेटिक वो चेक आएगा, ऑटोमेटिक ही चेक्ड आएगा, ठीक है। अब आप जब इसको रिफ्रेश करोगे तो ऑटोमेटिक वो चेक्ड ही शो करेगा, जैसे मैंने इसको हटाया देखो चेक्ड ही आएगा, ठीक है, ये ऑटोमेटिक हम इसको चेक करें। अभी हम यहाँ पे और क्या यूज कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी पता लग गया, और लिंग मेल फीमेल के लिए भी हम यहाँ पे चेकबॉक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। जेंडर के लिए एक एक ऑप्शन होता है हमारे पास अलग से, वो क्या होता है भाई, जब हमारे पास 3-4 ऑप्शन होंगे तो उसके लिए हम अलग अलग सिस्टम भी यूज कर सकते हैं। एक ऑप्शन है लेबल, लेबल से हमें एक चीज पता लगती है कि जब हम, जैसे मैं यहाँ पे नेम पर लेकर के आ, तो नेम पर पे मैं है ना, नेम से ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ये इसको इंडिकेट नहीं कर रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको भी बताऊंगा, पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको पहले बता दिया हूँ अबाउट योर सेल्फ, तो एक टेक्स्ट एरिया लेना पड़ेगा, तो टेक्स्ट एरिया के लिए भी एक टैग होता है, तो मैं क्या कर लेता हूँ सिलेक्ट के बाद यहाँ पे डिव के बाद पहले br लगाता हूँ, एंटर br, तो br के बाद फिर मैं div लेता हूँ, और div के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ एरिया, टेक्स्ट एरिया, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया जैसे ही टाइप करूंगा तो एक टेक्स्ट एरिया आ जाएगा। अब टेक्स्ट एरिया में आप लोग कैसे कैसे देखो, मैं कुछ नहीं अभी मैं सेव करता हूँ तो एक टेक्स्ट एरिया वहाँ पे शो कर जाएगा। अब ये देखो टेक्स्ट एरिया आ गया। अभी मैं क्या चाह रहा हूँ कि इसके सामने कुछ लिखो भी जिसमें बंदर समझ जाए कि क्या करना है, तो मैं आप लिख देता हूँ अबाउट योर सेल्फ, ठीक है। और जैसे मैं इसको यहाँ पे टाइप करके सेव करूंगा तो वहाँ पे आ जाएगा अबाउट योर सेल्फ। अब ये देखो ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर आ रहा है, प्रॉब्लम है कि नहीं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको ऊपर ले आऊँ, तो इसको भी मैं br टैग से सेट कर सकता हूँ, लेकिन अभी हम br टैग सिर्फ किस लिए यूज़ कर रहे हैं, सिंपल अपने बॉडी के ढांचे को बनाने के लिए। मैं रिकमेंड करूँगा कि br टैग हम बाद में यूज़ नहीं करेंगे और हर जगह हम क्या करेंगे css यूज़ करेंगे। देखो अबाउट योर सेल्फ ये नीचे आ गया, अब हम इसके अंदर कुछ भी टाइप कर सकते हैं, और यहाँ तक कि हम इस टैक्स एरिया को
बड़ा या छोटा कितना भी कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक रिसाइज होता चला जाएगा जब इसके अंदर कुछ टैक्स डालते रहेंगे तो ऑटोमेटिक चला जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि मान लो मैं इसको छोटा साइज कर देता हूँ और मैं इसके अंदर कुछ टाइप कर देता हूँ तो टाइप करने के बाद वो नहीं शो करेगा, लेकिन हम इसको बड़ा करके छोटा कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हमारी इन्फॉर्मेशन इसमें सेट हो गई। अब और क्या देख सकते हैं, मैं अभी बता रहा था आपको, जैसे नेम पर क्लिक करेंगे तो वो इंडिकेट करेगा कि इस पर टाइप करो, तो इसके लिए हम लेबल टैग यूज़ करते हैं। तो चलते हैं लेबल टैग की तरफ। तो नेम वाला हमारे पास ये आ गया, फॉर्म के अंदर मैंने यहाँ पे ले रखा है, तो मैं क्या करता हूँ इसके नीचे चलता है, डिव के थोड़ा ऊपर, तो मैं यहाँ पे लेबल टैग भी यूज़ कर सकता हूँ। तो लेबल मैंने यहाँ पे किया, फोर में हमें वो आईडी देनी पड़ेगी जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो फोर में हमें कौन सी आईडी देनी पड़ेगी, माई नेम, ये देखो यहाँ पे लिख रहा है ना माई नेम, तो मैं यहाँ पे नेम ले सकता हूँ, ठीक है, या फिर ये नेम दे दो, ये भी चलेगा। तो मैं देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, नेम दे दिया मैंने, ठीक है। नेम के बाद अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर से इसको नेम को हटा दो, क्योंकि ये यहाँ पर अब इसका कोई मैटर नहीं रहा। जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो ये वहाँ पर चला जाएगा। अभी देखो वो नेम भी यहाँ से चलेगा, लेकिन मुझे आईडी देनी चाहिए थी ना, वहाँ पे आईडी नहीं दी मैंने, आईडी नहीं दी तो मुझे आईडी देनी पड़ेगी नेम, ठीक है, यहाँ पर देनी पड़ेगी नेम। तो मैं क्या करता हूँ, एन ए एम ई नेम, ठीक है। अब मैं सेव करूँगा, सेव करने के बाद ये इसको बताएगा कि कहाँ जाना है, ठीक है। ये देखो इसके ऊपर आ गया। और दूसरी बात ये यहाँ पर है ना, फिलहाल ये यहाँ पर है, तो देखो यहाँ पे टेक्स्ट का फॉर्म दिखा रहा है कि हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर जाओगे तो एक कर्सर बन जाएगा, ये इंडिकेट कर रहा है कि कहाँ जाना है। और सॉरी मैंने ये भी गलत दे रखा है कि यहाँ पे आईडी देनी चाहिए ना मेरे को, फोर के लिए आईडी, तो माई नेम हमारे पास यहाँ पे माई छूट रहा है, वो तभी तो नहीं बता रहा है कि कहाँ जाना है। जैसे मैं इसको सेव करूँगा, अब जैसे मैं इस पर ऊपर क्लिक करूँगा तो ये ऑटोमेटिक बताएगा कि कहाँ जाना है, इसको हाईलाइट करेगा, देखो ध्यान से देखो, इसको हाईलाइट करेगा ऑटोमेटिक। अब इसके ऊपर भी ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, कभी कभी हमें चेकबॉक्स है ना ये, अब मैं एलिजिबिलिटी पे क्लिक करूँगा तो ये चेक हो जाना चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे एलिजिबिलिटी के लिए एक आईडी और वो लेवल यूज़ करना पड़ेगा, तो मैं इसके लिए भी यूज़ करके देखता हूँ। तो ये रहा एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी के लिए मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इसके अंदर ही ले लेता हूँ लेवल, एल ए लेवल आ गया। लेवल के लिए फोर देना पड़ेगा, फोर के लिए तो मैंने क्या लिख दिया, एम आई ई एल आई जी आई बी आई एल आई टी वाई एलिजिबिलिटी, ठीक है, ये आईडी हो गई। अब मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा उसके लिए, है ना, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ई एल आई जी आई बी आई एल आई टी वाई एलिजिबिलिटी। अब जब मैंने ये लिख दिया तो इसका कोई मैटर नहीं रहा, इसका अब कोई भी मैटर नहीं रहा। अब ये गया तो मैं सेव करता हूँ तो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो देखो कहाँ गया एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पे चेक बॉक्स इसका डिव गया, डिव गया, डिव गया इसका, तो फिर तो ये इसकी तरफ इंडिकेट करेगा, चेक बॉक्स नहीं करेगा यार, ये इंडिकेट करेगा बस इसको। देखो एक बार देखते हैं, वो पहले चेक्ड है ना, चेक्ड को हटाओ, पहले चेक्ड को हटाओ। तो मैंने क्या करा, पहले चेक्ड हटा दिया, अब देखते हैं ट्राई करके वो उसको क्या करता है। तो आ गया, तो इसको इंडिकेट करेगा बस ओनली, ठीक है, टेक्स्ट की तरफ ले जाएगा और कुछ नहीं करेगा, वो चेक बॉक्स नहीं करेगा। इसके लिए प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिक चेक करेगा, इसके बारे में हम बाद में सीएसएस में अच्छी तरह सीखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और आप लोगों को मैं पहले ही बता रहा हूँ कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी के लिए नहीं है, लेकिन छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सब मिल जाएंगी, बाद में हम इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। अभी मैं यहाँ पे दो चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, एक तो सबमिट, एक रिसेट। अब मान लो किसी ने यहाँ पे कुछ टाइप कर दिया और फिर वो सोच रहा है कि मैं यहाँ पे इसको रिसेट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए दो चीज़ बटन चाहिए कि नहीं, एक सबमिट और एक रिसेट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके बाहर आना पड़ेगा और फिर से बी आर टैग यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग हो जाएगा। और डिव मैंने यूज़ किया, डिव के बाद मैं क्या करूँगा, सबमिट करना है। सबमिट के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबमिट के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो पहले मैं इनपुट लूँगा, ठीक है, इनपुट के लिए एंटर के बाद मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा, टाइप के बाद सबमिट, मुझे सबमिट करना है फॉर्म, एस यू बी एम आई टी सबमिट। अब सबमिट के बाद मुझे इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी ना, वैल्यू मुझे क्यों देनी पड़ रही है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ शो तो करना पड़ेगा ना, तो मैं क्या कर देता हूँ, वैल्यू देता हूँ। और वैल्यू के लिए मुझे यहाँ पर देना पड़ेगा एस यू बी, मुझे लिखना पड़ेगा ना वहाँ पर जो शो करेगा ना वो दिखना पड़ेगा, सबमिट, ठीक है, नाउ। अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो वहाँ पे एक छोटा सा बटन सो जाएगा जो सबमिट की शो करेगा। अब जैसे सबमिट करेंगे तो बैकएंड पे जा रहा है, बैकएंड मैंने अभी डाला नहीं, तो बैकएंड मतलब वो बोल रहा है कि ये डाटा कहाँ पर डालना है। अब डाटा डालने के लिए कोई जगह नहीं ना, तो ये सबमिट हमारा काम करने लग गया है। अब मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पर एक और ऑप्शन आ जाए, वो ऑप्शन आ जाए कि यहाँ पर क्या आ जाए कि रिसेट। तो
रिसेट के लिए भी मुझे करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, रिसेट इसके सामने लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे इनपुट लिखता हूँ, इनपुट, ठीक है, इनपुट के बाद एंटर करते हैं और यहाँ पे कर देता हूँ रिसेट, रिसेट, ठीक है। और रिसेट भी मैं क्या कर देता हूँ, चलो रिसेट तो मैंने लिख ही दिया, रिसेट यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये तो प्रॉपर्टी है, लेकिन वैल्यू के अंदर आपको थोड़ा सा सही लिखना पड़ेगा। वैल्यू के बाद आप क्या करोगे, वैल्यू के अंदर यहाँ पे बड़े अक्षर में लिखोगे आर ई सी टी रिसेट ऑल, या फिर रिसेट ऑल, हाँ ठीक है, रिसेट ऑल, ठीक है। अब मैं जैसे इसको सेव करूँगा तो ये वहाँ पर शो करेगा रिसेट ऑल, देखो इसके सामने आ गया। अब जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा और मैं रिसेट करता हूँ तो ऑटोमेटिक वो रिसेट कर देना चाहिए, देखो रिसेट हो गया। अब मान लो जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ तो क्या करेगा, रिसेट, ठीक है। हम ईमेल मैंने लिख दी तो क्या करेगा, रिसेट कर देगा। अब मैं इसको भी रिसेट कर देगा, ठीक है। अभी यहाँ पे फॉर्म में मैंने कुछ भी नंबर सेलेक्ट कर दिया तो ये क्या करेगा, इसको रिसेट कर देगा। कुछ भी फॉर्म मैंने यहाँ पे डाल दिया, कुछ भी टेक्स्ट डाल दिया फॉर्म के अंदर, तो ये क्या करेगा, रिसेट कर देगा। तो रिसेट प्रॉपर्टी भी ऐड होगी। अगर मैं चाहूँ कि रिसेट थोड़ा सा इसके नीचे आ जाए तो बी आर टैग की वजह से यूज कर सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें हम यहाँ पे फॉर्म के लिए बहुत अच्छी तरीके से सीख गए। ये सब चीज़ें अभी आपको बहुत बेकार लग रही होंगी क्योंकि इनमें कोई भी CSS ऐड नहीं कर रखी है, ये सिर्फ ढांचा है, और ढांचा ही सिर्फ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ें बेसिक हो गई थी। हम इनको बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे, अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके काम आएंगी, कौन कौन सा टैग हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सारे के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख सकें। आज के लिए थैंक यू।